शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर सेवासी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जलालपुर क्षेत्र के तिलोचन महादेव बाजार में बुधवार को काशी गोमती बैंक का उद्घाटन। बैंक के अध्यक्ष श्री पवन कुमार दास व त्रिलोचन महादेव बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। श्री दास ने बताया कि जौनपुर जनपद के विकास में 36 वर्षों से लगातार अपनी उच्च ग्राहकी सेवा के साथ तत्पर काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, जो भारत वर्ष की पहली कोर बैंकिंग सुविधा के साथ साथ एटीएम एवं मोबाइल बैंकिंग प्रदान करने वाली पहली ग्रामीण बैंक है। जलालपुर क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव बाजार में बुधवार को काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का उद्घाटन। बैंक के अध्यक्ष पवन कुमार दास व त्रिलोचन महादेव बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुराग वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। श्री दास ने बताया कि जौनपुर जनपद के विकास में 36 वर्षों से लगातार अपनी उच्च ग्राहकी सेवा के साथ तत्पर काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, जो भारत वर्ष की पहली कोर बैंकिंग सुविधा के साथ एटीएम और मोबाइल बैंकिंग प्रदान करने वाली पहली ग्रामीण बैंक है, अपनी 72 शाखाओं के साथ अपने ग्राहकों की सेवा में पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है।
पूरी 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 जो नदी है शहर बना हुआ है ये सरकार आपको भी अवगत होंगे। आपके क्षेत्र में पहले 1981 से क्षेत्र के नाज इकतम आज उपस्थित है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुहाना लग रहा है और क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ किसान बंधु भी यहाँ उपस्थित है, माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित है, धन्यवाद है तुम्हारे। कम समय में बोलना है, बातें बहुत सारी हैं लेकिन उसको संक्षेप में आप लाऊंगा उसको। जब कभी ऐसे बैंक में आता जाता रहता था, जब यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहले बाजार में था मैं जानता हूं, उसके बाद बलरामपुर स्कूल के बगल में गया, आप सब ये जानते हैं बैंक तो था और मैं भी जब जाता था तो ऐसे भीड़ में कभी सिस्टम नहीं था। जब एक बार नगर में एक बुजुर्ग महिला थी और वो पासबुक एंट्री करवाने गए, मेरे आंख के सामने की बंदूर ये बात है कि उसका पासबुक ना दीजिएगा, उसका पासबुक ऐसे फेंक दिया गया। तो 4 किलो 5 किलोमीटर दूर से जो महिला आ रही है पासबुक एंट्री करवाने के लिए और कैसे अपनी जान बचाने को निकालने के लिए, उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है क्योंकि हम लोग सब ऐसे बिहेव नहीं हो रहे। तो ऐसे ही मैं सुनता था बैंक की बड़ी शिकायत मिलती थी यूनियन बैंक, तमाम प्रकार के वहां जो दलाल साक्षर रहते हैं आज भी है, मुझको डर नहीं है यहाँ पे होंगे मुझको डर नहीं क्योंकि आप जानते हैं होने वाला इंसान नहीं चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ही मैं भी गया, कुछ वहां की व्यवस्थाएं जब समझ नहीं आया, चाचा दस लोग हमारे घर आ गए बुजुर्ग, उसका 6,000 रुपए बैंक में था, अपनी पैसा निकालने के लिए उसका एक कलम कामी नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे। बच्चेलाल यादव के मामा जी थे यही ककोरी गाँव के, ककोरी गाँव 8-10 लोग से महिला हमारे घर आ गए। किसी प्रधान ने बताया कि आप व्यापार मंडल अध्यक्ष के पास चले जाइए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैंने मैनेजर साहब को घर बैठे ही ऑटो रिक्शा से सारे में फोन किया, हमने कहा कि नहीं हो पाएगा, हमने कहा मैनेजर साहब होगा आज होगा और आप पैसा देंगे। एजीएम को हमने फोन किया, हमने कहा ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आपकी मर रहा है, पैसा जमाती है और अभी शीट भी है आपके बैंक के पास है, ये सारे लोग हमारे आवास में जमा रहे हैं, ऐसा कैसी बात है कहा है, मेरे में आवास होगा आपके बैंक में आ जाइए। अभी मैं फोन करता हूँ, फोन हुए डायरेक्ट मैनेजर साहब उठ करके पैसा दे दिया और भीड़ होता था पता ही लगा कोई कपड़ा एक बार पहनने चला जाता था बैंक में तो आकर के बदल दे देता। इतना ज्यादा दुर्गंध इतनी गर्मी थी कि बड़ी व्यवस्थाएं जो व्यवस्था हो गया बैंक लोग प्यासे हुए, प्यास की व्यवस्था पानी की व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने एसडीएम को फोन किया, सुनील जागी एसडीएम थे, मैंने फोन किया था एक बार मैं बुला रहा हूं मेरे बुलाने पर आइए, पता नहीं क्या उनके दिमाग में एसडीएम साहब ने भर दिया है मेरे दुकान पे, प्रधान वर्मा जी बताइए क्या दिक्कत है, हमने कहा ऐसे हमारे क्षेत्र में लगाएंगे, ये बताइए क्या हो रहा है व्यवस्था जो दूर से महिलाएं आ रही है ये आदमी कब चल जाते जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो सिस्टम बनाए हुए क्या 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 चाहते हैं लाइन यहाँ लगाई है एटीएम पे धार रखी है और यहाँ पानी की व्यवस्था तो जल्द से जल्द दो दिन के अंदर होना चाहिए, मतलब ठीक नहीं हुआ एटीएम का पेपर भी आप लोग पढ़ोगे इसमें दैनिक जागरण और भी हमारे द्वारा इन लोगों का हर पेपर लिखा है, दो दिन के अंदर बहुत स्टैंडर्ड फीजा वहां लग गया, मेरी देन है मैंने आवाज उठाया था, आज लोग पानी पीते हैं। दूसरी चीजें कुछ और भी ऐसी बातें हुई मैनेजर साहब से, रजिस्ट्री के समय में गिरा था, गिरा था रजिस्ट्री भी हो गई भाई आसानी तरीके से। आज जब पता लगा आरओ से बोला कि मैनेजर साहब आपके पास जा रहे हैं, कहा इस समय मैं एयरपोर्ट पे हूं और उनको थोड़ा एक दो घंटे लेट भेजिएगा, मैं बांधे था उसमें एयरपोर्ट में आने के खिलाफ में था। उद्घाटन के अवसर पर बधाई में आप सभी सम्मानित लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मंचासी सलीम भाई अकरम भाई
पहले तो सौरभ के साथ साथ मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये बैंक जो है ना तो अध्यक्ष का है, ना रीजनल मैनेजर का है, ना ही ब्रांच मैनेजर का है। ये बैंक 100% सरकारी बैंक है और आम जनता की है, आप लोगों का बैंक है, हम लोग तो सिर्फ सेवा देने के लिए यहाँ है। तो इस शाखा के जो भी शाखा प्रबंधक, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं हम आपको त्रिलोचन बाजार जौनपुर में और मिलवाते हैं यहाँ पे शाखा प्रबंधक काशी गोमती ग्रामीण बैंक की। एक शाखा खुली हुई इस बाजार में, काफी विकास से वो प्रोत्साहित कार्य है, तो हम सर से सीधे मिलवाते हैं, उनका परिचय कराते हैं अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से। सर अपना परिचय दीजिए। मैं सुशील यादव, काशी गोमती ग्रामीण बैंक त्रिलोचन जौनपुर से शाखा प्रबंधक। और तो सर आप लोगों ने जो बैंक खोला है तो इसका क्या आप लोगों का कार्यशैली किस प्रकार से रहेगा, जो यहाँ के लोग हैं क्षेत्रीय लोग क्या क्या सुविधा मुहैया करवाएंगे, बाजार वासियों क्या सुविधा मुहैया कराएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, कोई भी बैंक होता है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए उसके बाद में होता है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि क्षेत्र के लोगों का विकास होना, उनको उनकी जो भी सुविधाएं हैं, उनको बैंक के पास जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराना, जैसे कि एडवांस, एग्रीकल्चर एडवांस है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, या मुद्रा लोन है, या केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। इस तरह की सुविधाएं हमारी बैंक दे रही है। तो ये जो बैंक खुला है और इस बैंक को खोलने में यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आपका सहयोग किया होगा, तो आपकी नज़र में ऐसा क्या क्या किन किन लोगों का वो चेहरा आता है जिन्होंने आपका पूरे जोर समर्थन करके इस बैंक को खुलवाने में अपना पूरा सहयोग दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ पे जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं अनुराग वर्मा जी, उनकी बहुत बड़ी महती भूमिका रही है इस बैंक को खुलवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही प्रमाइसिस दिलवाया, प्रमाइसिस मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट खुलवाना और मार्केट से सपोर्ट दिलवाना उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर जो एक बार इस समय देखा जाए तो योगी गवर्नमेंट कह लीजिए या मोदी गवर्नमेंट जो है, ये सब युवाओं को बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, तो क्या आप लोग अपने बैंक के द्वारा कुछ ऐसी सिस्टम मुहैया कराएंगे जिससे बेरोजगार जो युवा है स्वरोजगार की तरफ बढ़े, ऐसा कोई सिस्टम आपके यहाँ है जो सरकार के द्वारा आपको मिला हुआ है और आप बच्चों को जो बेरोजगार युवा है उनको देंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो मेरे पास युवा आते हैं और वे बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं और इच्छुक हैं, तो उनको जिस तरह का उनको रोजगार चाहिए उसके लिए हम लोग फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, और मेरे पास टूल्स है मुद्रा योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत हम उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। कितना सुलभता होगा ये सब स्कीम जो बता रहे हैं, उनको आपके पास आएंगे जो लोग, उनको कितना सुलभता होगा, क्या कार्यशैली रहेगा, किस हिसाब से आप लोग अटैचमेंट होंगे ग्राहकों के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विद इन 2 दिन में मैं लोन कर देता हूँ, अगर सारी चीजें सही है, पेपर फॉर्मेलिटी सारी सही है, तो 2 से 3 दिन में हमारे यहाँ फाइनेंस हो जाता है। और जो ये देखा जाता है क्षेत्रीय बैंक या ग्रामीण बैंकों में जो बीच के लोग रहते हैं जिन्हें ब्रोकर कहा जाता है, तो क्या उनका रोल यहाँ पे नहीं रहेगा एकदम से, उसके बारे में कुछ बताइए। मिडिल मैन की यहाँ पे कोई भी भूमिका नहीं है, हमारे डायरेक्ट आता है कस्टमर, मिलता है और जिसका होने वाला होता है हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ और न यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है कि मिडिल मैन के सहयोग से कोई काम किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, सर ने बताया कि अगर आपको कोई भी सुविधा चाहिए तो डायरेक्ट आइए, बैंक की एम्प्लॉई जो भी है आपके सहयोग में रहेंगे उनसे मिलिए, डायरेक्ट सर से मिलिए, आपकी सारी जो जरूरतें रहेंगी बैंक के द्वारा पूरा किया जाएगा। सर आपको इस बैंक को खोलने के लिए हमारे खबर 7C टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही आगे बढ़िए बैंकिंग सेक्टर में। धन्यवाद। थैंक यू।